बॉयज मैक्स वन जेम्स और चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग 900 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.3 के आगे के सम सीखेंगे। तो आइए ध्यान देते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसको अच्छी तरह से तुम लोग समझ गए होंगे। M फाइंड करने के लिए D का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है पहले। तो D का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके X1 प्लस X2 बाई 2 कमा Y1 प्लस Y2 बाई 2 सब्स्टिट्यूट करके D का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। और उसके बाद M का कोऑर्डिनेट फाइंड किया है जिसमें O और D का कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा। तो इस प्रकार से तुम लोग को ये फाइंड कर लेना है, जल्दी लिख लो। नेक्स्ट सिक्स्थ सम, द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल वेयर द राइट एंगल इज एट बी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी सो दैट एबीसीडी इज ए स्क्वायर। एबीसी इज द आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट ट्राइंगल एट बी। प्रॉब्लम को आप ध्यान से समझेंगे क्या दिया हुआ है, उसके बाद ही उसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। राइट ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, दोनों है। ये ट्रायंगल आइसोसेलेस भी है और राइट ट्रायंगल भी है। राइट एंगल एट बी दिया हुआ है, एबीसी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। -5.4 ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट है -1.-2 और सी का कोऑर्डिनेट है 5.2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी हमें फाइंड करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब ये दो साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी। एबीसीडी एक स्क्वायर है, देखो ए बी सी डी कहीं पे है, यहां है मान लो, तो एबीसीडी एक स्क्वायर है बोल दिया, तो उसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। ठीक है, स्क्वायर में सबको पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इसमें इक्वल होता है। ठीक है, तो अभी डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो कैसे करोगे? एबीसीडी इज ए स्क्वायर, इसमें क्या होता है, मिड पॉइंट भी सेम होता है, मतलब एसी का जो मिड पॉइंट होगा वही जो है बीडी का मिड पॉइंट भी होगा। इन ए स्क्वायर वी नो दैट, प्रॉब्लम 6 है ना, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ,
कि इसका मतलब क्या हुआ कि मिड पॉइंट दोनों का सेम है, इंप्लाइज मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो पहले एसी का जो मिड पॉइंट वो आराम से फाइंड हो जाएगा अपने को। एसी का जो मिड पॉइंट है वो -5 + 5/2, 4 + 2/2 होगा। मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर लेना है, एक बार फार्मूला लिख देना है, इज इक्वल टू -1 + x/2, -2 + y/2, ये ऐसे होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैसे लिखेंगे आप, जीरो कमा थ्री, 4 + 2, 6/2, 3 होगा, इज इक्वल टू -1 + x/2, -2 + y/2। ठीक है, ये हो गया इसका। नेक्स्ट ऑन कंपेयरिंग दी कोऑर्डिनेट्स, आपको मिलेगा -1 + x/2 = 0 एंड -2 + y/2 = 3। सो -1 + x = 0 × 2, -1 + x = 0, x = 0 + 1, x = 1, और यहां मिलेगा -2 + y = 3 × 2, ये 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, -2 + y = 6, y = 6 + 2, y = 8, therefore the coordinates of B are 1, 8। इसको फिनिश करो, नीट हैंडराइटिंग से लिखो।
नेक्स्ट प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ो। एक ट्रायंगल DEF है, उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है और आपको ये प्रूफ करना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, द पॉइंट्स ए कमा बी कमा सी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स DEF एंड FD ऑफ ए ट्रायंगल DEF, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो, DEF एक ट्रायंगल बना लो और उसके तीन मिड पॉइंट है DEF, तीनों मिड पॉइंट ए जो अपने को पता है -3.6 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, DE का मिड पॉइंट ए है, EF का मिड पॉइंट बी है और FD का मिड पॉइंट जो है वो सी है। बी का कोऑर्डिनेट 0.7, सी का कोऑर्डिनेट 1.9, DEF, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी और डी ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ध्यान से देख लो, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके मेथड्स है, हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ ए इन ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, तो वो अपने को फाइंड करना है। इसका मिड पॉइंट दोनों का सेम होगा, तो ये कैसे है पैरेललोग्राम ये हमें बताना है। तो कैसे बताओगे आप, डी का कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं है, डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे डी का कोऑर्डिनेट, डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करके हम बता सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। डी का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे, वो मेथड हम यूज कर सकते हैं लेकिन यहां पे पैरेललोग्राम में करके प्रूफ करना ही है। इसमें अपोजिट साइड चार इक्वल है, पैरेललोग्राम है बोलने के बाद, तो ये लंबा हो जाएगा, कर लेते हैं हम। क्योंकि किसी का भी कोऑर्डिनेट हमारे पास नहीं है तो X1 Y1 X2 Y2 और X3 Y3 लेके पहले इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे हम डी का, और उसके बाद ABCD एक पैरेललोग्राम है ये प्रूफ करके दिखाएंगे मिड पॉइंट्स को यूज करके, ठीक है। तो X1 प्लस X2 बाई 2 इक्वल टू -3 है तो होगा -6, ऐसे पूरे 6 इक्वेशन हमें लिखना है X2 प्लस X3, क्योंकि सीधा फाइंड नहीं होगा, हमें X1 Y1 ही चाहिए एक्चुअली। तो ट्राई करते हैं, अगर मिल जाता है तो ठीक है, X1 का वैल्यू चाहिए हमें, तो इसमें भी यूज कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। X1 इसमें भी है, इसमें भी है, होगा क्या देखना है।
क्योंकि सीधा नहीं होगा, x1 और y1 का ही वैल्यू चाहिए हमें। तो x2 प्लस x3 दो बस है, दो से मिल जाएगा x1 का वैल्यू। x1 प्लस x3 इक्वल टू बाई 2 इक्वल टू 0 है, तो 0 इंटू 2 0 ही होगा। और x1 प्लस x3 इक्वल टू 1 इंटू 2 2 होगा। प्रॉब्लम नंबर 4 जिसने ध्यान से सुना है वो ये कर सकता है। तो 1 2 3 ले लेंगे। 1 2 3 से पहले 1 एंड 2 से x1 प्लस x3 मिलेगा कट होके, माइनस करेंगे तो x1 माइनस x3, x1 माइनस x3 इक्वल टू माइनस 6 मिलेगा, ठीक है। फिर 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे तो 2x1 इक्वल टू माइनस 4 मिलेगा। और x1 तो मिड पॉइंट ऑफ AC मिल गया। अभी हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ BD इज D का कोऑर्डिनेट है -2,8। तो 0 माइनस 2 बाई 2 कमा 7 प्लस 8 बाई 2 इस माइनस 1 कमा 15 बाई 2। तो ये दोनों सेम है देखो। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट ध्यान से समझ के करना है सम को, तो कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। एक ट्रायंगल का मिड पॉइंट्स दिया हुआ है और फोर्थ कोऑर्डिनेट को मिला के और मिड पॉइंट को मिला के एक पैरेललोग्राम है करके हमको प्रूफ करना है। तो पहले कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ऑलरेडी हमने फोर्थ सम और एग्जाम्पल 15 को देखा हुआ है। तो डी का कोऑर्डिनेट जो है इन मिड पॉइंट्स को यूज करके हमने फाइंड किया है। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी फाइंड होने के बाद में एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है ये प्रूफ करने के लिए। अगर हमको जो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब उसका मिड पॉइंट जो है वो सेम होगा। डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है, बाइसेक्टिंग पॉइंट है, वो सेम होगा। तो हम अगर ये प्रूफ कर देंगे कि वो सेम है और इक्वल आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है। तो इसलिए हमने क्या किया, एसी का मिड पॉइंट और बीडी का मिड पॉइंट फाइंड किया, ठीक है। और हमने देखा कि दोनों का मिड पॉइंट सेम है। तो यूजिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम वी कैन से दैट एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से लिखो, समझो और नोट करो। इसमें कोई डाउट है तो आप मैसेज भेज के मुझसे पूछ लो। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, जल्दी से नोट कर लो और कोई डाउट है तो पूछो मैसेज भेज के। और जिस जिस को क्लियर दिखाई दे रहा था, वो जिसने लिखा है क्लास में पूरा, वो अभी पोस्ट कर देना ग्रुप में, जिससे क्या होगा जो नहीं लिख पाया है उससे हेल्प हो जाएगा। और इसका वीडियो जो है शाम तक मैं अपलोड करूंगा फिर से, तो उसको थोड़ा
नोट जितना उसके अंदर तुम लोग देख सकते हो उससे देख के लिख लेना, ठीक है। जल्दी नोट कर लो, इसका तुम लोगों का नोट करने के लिए मैं वेट कर रहा हूं। विनोद कुमार बोल रहा है जैसे 720p पे करके देखो, 720p पे शायद क्लियर आएगा। 720p पे अगर तुम लोग करके देखोगे तो क्लियर आएगा।